पड़ेगी, चंबा वाली मतलब बर्फ पड़ेगी ना जब, तो ये नज़ारा इतना खूबसूरत हो जाता है कि जिसकी कोई वो नहीं है। और अभी भी बारिश, हल्की 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 बारिश ना अभी भी पड़ रही है, तो अभी मैं ऊपर आ गई। तो ये देखो इतना प्यारा मौसम है, तो मस्त है ऋषिकेश आना, है ना, वीकडेज में आना, छुट्टी लेके आना, पर मज़ा आ जाने वाला है। क्योंकि आज बारिश है, फिर 2 दिन धूप है, फिर नेक्स्ट डे बारिश है। आज की बारिश बर्फ 100% डाल देगी, 100%। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हो रहा है मौसम बहुत अच्छा, तो हमने शुरुआत करी छत के साथ, क्योंकि पीछे के पहाड़ लग रहे हैं बहुत बहुत सुंदर, और इनके दर्शन हो रहे हैं बहुत दिनों बाद, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी थी कि सोचो ये पहाड़ भी नजर आ रहे थे। और अभी हल्की हल्की तो चंबा की पहाड़ी नजर आ रही है, चल दोनों आ जा। और अब उसमें बर्फ पड़ेगी ना, फिर वो यहाँ से दिखेगी। तो मैं आपको पहले चलो पहाड़ दिखाती हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। डाली डाली फूलों की, ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहा है। पीछे आपको जो दिख रही है ना पहाड़ी, वो उधर वो है चंबा की पहाड़ी, और अभी इसमें बर्फ नहीं पड़ी है। और बादल देख लो गाइस। मैं फटाफट से सुबह फ्रेश हुआ, मेरे दोनों बाबू भी ऊपर, एक वो बैठा और एक ऑलवेज शैतानी कर रहा है। तो मैं आ गई छत पे फटाफट, अपने मॉर्निंग ड्रिंक पी के, उन्होंने चाय भी नहीं दिया, क्योंकि तो मौसम ना इतना प्यारा लग रहा है। और आज उम्मीद है कि चंबा वाली पहाड़ी पर बर्फ पड़ जाएगी, और चंबा वाली मतलब बर्फ पड़ेगी ना जब, तो ये नज़ारा इतना खूबसूरत हो जाता है कि जिसकी कोई वो नहीं है। और अभी भी बारिश, हल्की 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 बारिश ना अभी भी पड़ रही है, तो अभी मैं ऊपर आ गई। तो ये देखो इतना प्यारा मौसम है, तो मस्त है ऋषिकेश आना, है ना, वीकडेज में आना, छुट्टी लेके आना, पर मज़ा आ जाने वाला है। क्योंकि आज बारिश है, फिर 2 दिन धूप है, फिर नेक्स्ट डे बारिश है। आज की बारिश बर्फ 100% डाल देगी, 100%। तो जिन लोगों को भी जाना है ना बर्फ देखनी है उत्तराखंड के अंदर, वो जा सकते हैं। कुछ गाँव में तो रहती है हमेशा यहाँ पे बर्फ, बट जो मेन स्पॉटर है आके, मतलब यहाँ पास में चंबा बोम्बा हो गया, यहाँ बर्फ पड़ने के पूरे पूरे अंदेशे है, मेन मसूरी में है। तो बर्फ का इंतजार उत्तराखंड वासियों को बहुत था, क्योंकि जनवरी में अक्सर बर्फ पड़ती है यहाँ पे, और इस बार यह हुआ बर्फ पड़ी ही नहीं। तो बस आज है हैप्पी 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 मौसम, तो जोनू कैसे घूमेंगे, हैप्पी 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 करते हुए घूमू घूमेंगे, है जोनू? जोनू क्या कहेंगे आपकी पहली सर्दी है, बारिश पड़ रही है। तो चलो गाइस फटाफट से इस मौसम को तो एंजॉय करा दिया, नीचे चलते हैं अभी थोड़ी देर में। आज हो रहा है चाय पकौड़े वाला मौसम, तो चाय पकौड़े तो देखते हैं, नहीं तो मैगी तो बनती है, तो अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी मैं नीचे चलूंगी और फिर देखूंगी थोड़ी देर, वेदर इंजॉय करते हैं। मैं आपको ना एक बच्चे के पास और ले जाती हूँ, ये मेरा बच्चा ठंड में क्यों बैठा, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ये देखो क्यों बैठा, कल्लू से भगा दिया उसे। ये पता क्या करता है उसको ना, खेलने के लिए ये ना उसके ऊपर ही गिर जाता है, वो बेचारी हल्की फुल्की 40 किलो को कहा हमारी 250 ग्राम की बिल्ली, इसलिए वो आ जाती है। तो चलो चलते हैं, हम इंजॉय करते हैं करते हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, और बाहर मौसम अभी बारिश ना बहुत तेज हो गई है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं इनको आज खिलाती हूँ मेथी आलू की पकौड़ी, क्योंकि पहले मैंने सोचा पालक आलू की बनाऊंगी, पर पालक मम्मी ने सारी रात को साग डाल दी, थोड़ी सी पालक है मतलब, वो भी मैं ऐड कर लूंगी। तो उसने मैंने सोचा है मेथी आलू की पकौड़ी बना के, हाथ ठंड है, चाय अभी तक मैंने तो पी नहीं है, किसी इन लोगों ने सबने पी लिया, मैंने पी थी सुबह एकदम चाय, तो चाय एकदम सुबह पीना ना अच्छा नहीं होता, ये लोग मायटे गए, तो बस वही बनाती हूँ। तो चलते हैं किचन में और इनके लिए अच्छा सा जो सा नाश्ता बना के तैयार करते हैं और सबको खिलाते हैं। चलो फिर किचन में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में, और मैंने यहाँ पालक, थोड़ी सी पालक है,
आपको मतलब पानी मिक्स नहीं हो पाएगा मेथी वेथी है? नहीं, चलो मनाते हैं वैसे में और चले जाना नाच बना। तो थोड़ा ऐसे थोड़ी बनाऊंगा मैं खाई नहीं। घी से बचते हैं खुद तो घी से भूल तो जाते हैं फिर आजकल नहीं घी दिया को भी क्या जलाना। ओढ़ लाऊंगा आज मैं तो हाँ हाँ ओला बड़े दो बिल्डिंग ऐसे ही है ऐसे पतीला तो फ्रेंड हमारा जो बैटर है वो भी तैयार हो चुका है। अब बनेंगे गर्मा गर्म पकौड़े। सरसों का तेल पक रहा है, चाय बन रही है और बैटर भी दूर तो यहाँ धूप भी प्रकट हो रही है जिसकी कोई उम्मीद नहीं। चाय बन रही, तेल गर्म हो रहा, पकने का तेल भी और ये कमरे की लाइट बंद कर। अरे वो हाँ दिखाते हैं नजर। जोनू चुप जोनू जल्दी ले। तो गाइस पकोड़े बनाने से मौसम पहले भी कहता था कि बिल्कुल बुरे हालात। अब ये देखें तो जितने हमने पकोड़े बनाए हैं वो तो चीज चलेगी, पर हम पकोड़े तो चलो बनाएंगे का जी नहीं लग रहा है। बस चला आ देखे। तो चलो बंदे चलते हैं, चाय बन रही है, फटाफट से पकौड़े निकालते हैं तब तो सबकी पूजा हो जाएगी। फिर हम चलो अंदर, इसे चलो हर का तो चलो चलो काम करने। फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो चुका है। अरे हमारा हाँ देवी सरसों का तेल हथियार ये सकल मत करो है अब जगह। तो चलो पकौड़े हम सौंपते, पर गैस को थोड़ी देर बंद करते हैं क्योंकि ये बहुत तेज पक गया है तो एकदम जल जाएंगे। गाइस ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े हो गए तैयार, और पकौड़े तैयार है और बाहर धूप निकल गई है। सर कुछ कहना चाहेंगे, विचार विचार व्यक्त क्या करेंगे? कर क्यों निकले हम रहे हैं पकौड़ी खाए? मैं बैठूंगी यहाँ वहां यार, मुझे मेरे कमर पहली दर्द हो रही है। पे रुक जा रुक जा रुक जा ना। बादल अभी भी बने हुए हैं पर पहाड़ों में फिर से थोड़ी थोड़ी धुंध आ गई, पर अच्छा हो रखा है। और ये शोनी इस मौसम में बहुत प्यारी लग रही है। इस मौसम जो है ना वो फिर पलट गया है, और मतलब अभी धूप निकली थी इतनी और अभी देखो फिर जल्दी बारिश शुरू हो गई और धूप तो फिर नहीं हो गए, निकली इतनी फास्ट तो नहीं निकली क्या? फिर भी निकली थी यार। हाँ ये ऊपर फिर देखिए फिर बादल गड़क रहे हैं कौन सा और ये मेरा वो बाबू बैठा है क्योंकि सुन एक बजने सुन वाला है और पापा आने वाले हैं। क्या वो ये देखो ऐसे ही देखता रहेगा जब तक पापा नहीं आएंगे, और पापा वहां सामने स्कूटी लगाते हैं। तो अभी ये झांक रहा है कि टाइम हो गया और अब तक आए ही नहीं है। तो उस समय बताया गाइस क्या बोलो जो जिस समय ज्वाइन अभी आता उधर था से ना देखो पापा आ रहे गवर्नर हैं। बोला था
और अब मैं तो ये आपको प्रॉब्लम दे जा रहा, मैं जॉन तो का रिएक्शन खाता एक दिखाऊंगी। महीना ये खाता था देखो तो 2 महीने छोड़ देता था, तो यहाँ उसने देखो, मुझे ये आए कहा पापा, क्योंकि रोड पे भाई तेरा इतना पानी बेचारा है कि लोगों तो निकलना ही भाई बड़ा महाभारत इतना हो जाता है। बीमार यार जॉन पापा आ गए, इसने, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई पागल आ जॉन गया। पापा आ गए, पापा नहीं है, नीचे स्कूटी आ गई है। हाँ देख ले तू, चाहे जाके अपने आप देख, जानो तुम हटो देख जल्दी जा। देख देख जलाना जलाना, देख देखो यही से देखता है, जैसे नीचे ये जाता देखो फिर नहीं ये जाता, कैसे करेगा अब, अभी ये तो नहीं यहाँ जाता है। बैठ जाएगा। जानू नीचे से जाके पापा को ले आ, जोनो जाओ नीचे जाओ, जाओ नीचे, जाओ नीचे से पापा को जाके, नीचे से यहाँ से नीचे सीढ़ियों जाओ से। या काट लेगा अब सारे हट जाओ, अभी नीचे से। अरे है खुशी है खुशी, कट कट कर जानू लो कहते तो फिर भी अच्छा लगता, कट्टा क्या मतलब है चलो बाबा, चलो 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 अच्छा जानू चलो। हाँ उधर सामान यहाँ रखा है, उस कमरे में है, जल्दी जाओ जल्दी जा, पापा यहाँ चले गए। अरे पापा नेटवर्क नहीं आ रहा, अभी सही हो रहा है, तार टूट गई, तार टूट गई पापा। फिर पापा ट्रक बदल तोड़ गया, जॉन बैठ जा, अरे बैठ मिल गई नीचे दे दो पापा बिस्किट है, अरे मैं ये लेती हूँ। मेरा खाना आ चुका है और ये इनका तो चल रहा है टॉम एंड जेरी शो देखूंगी, साथ में मैं अपना मूली का पराठा खाऊंगी। बनाने वाली मम्मी गई है और बाहर हो रही है बहुत तेज अब बारिश। चलिए फटाफट से खाना खाते हैं, ये शाम और हम बैठे हैं सब और देखो यहाँ चल रही है मसाज। ओ गंदे लड़के, कपड़े कपड़े नहीं है क्या? नाभी के पास मसाज भी नहीं, हमारे कपड़े भगवान ने बनाए। अब मिलेंगे हम आपसे कल दोबारा नए ब्लॉग में, तो हमने ग्रीन टी वगैरह पी ली और बारिश बड़ी रुकी, अभी फिर मौसम बारिश हो रहा है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में दोबारा। आप करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।